हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस टीक के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले राजस्थान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजपुताना। देखिए, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपुताना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही। देखिए, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, आहार संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। सही आंसर है ऑप्शन सी, ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विविधता रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया। डैश, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। डैश, सही आंसर है ऑप्शन सी, मरुकांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, नसीराबाद छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विषमकोणीय चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी जयपुर किसके द्वारा स्थापित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेढ़ता नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। डैश, सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 भौतिक विभागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। डैश, सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। डैश, सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 मार्च को। देखिए, राजस्थान दिवस प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है। डैश, सही आंसर है ऑप्शन डी, जोधपुर में। देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है जोधपुर में और राजस्थान का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। और राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। डैश,
सही आंसर है ऑप्शन ए 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी दामोदर लाल व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी युगल किशोर चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल को नियुक्त की गई थी डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए पोखरण जैसलमेर में। देखिए भारत में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम एवं एकमात्र राज्य प्रमुख थे। सही आंसर है ऑप्शन डी जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित था डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी जयपुर में। देखिए राजस्थान में जयपुर स्टॉक एक्सचेंज था जिसे 1989 में स्थापित किया गया था और यह भारत में सदस्यता के मामले में तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज था। हालांकि मार्च 2015 में सेबी ने इसकी क्लोजर जारी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी बांसवाड़ा से। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में होकर गुजरती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। देखिए कर्क रेखा यह राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए चिखली गांव के नज़दीक से गुजरती है और यह बांसवाड़ा कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% है। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल यह 0.41% है और राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश का 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए 5,920 किलोमीटर। देखिए राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर और भारत के 5 राज्य राजस्थान राज्य से सीमा साझा करते हैं। पहला राज्य है पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी विषमकोणीय चतुर्भुज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, युवराज चूड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। देखिए राजस्थान यह मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दत्तात्रेय के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है? देखिए राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है राणा कुंभा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी गोलार्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिंबा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीरंगदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल चंद उस्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित किलों में कौन सा यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, याना दुर्ग स्थित वरिग विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? देखिए 84 खंभों की छतरी स्थित है राजस्थान के बूंदी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सा नहर महत्वपूर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बारां जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सांगानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।